हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मैं आपको बताती चलूं, मेरा नाम सबीन समीर है और मैं अपने चैनल पर मेकअप ट्यूटोरियल की वीडियोस अपलोड करती हूं। और अगर आप ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वेलकम बैक टू माई चैनल। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज मैं आपके साथ वन ब्रांड मेकअप ट्यूटोरियल शेयर करने वाली हूँ और वो ब्रांड है मिस रोज़ का। आज मिस रोज़ की चंद प्रोडक्ट्स को यूज़ करके हम एक लुक जो है वो क्रिएट करेंगे। तो मैं थोड़ा सा उन चीज़ों के बारे में आपको रिव्यू भी दे दूंगी और मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आपको पता है आपने क्या करना है, वो जो साइड पे रेड कलर का बटन है उसको ज़रूर क्लिक कीजिएगा और बेल आइकन को तो प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मैं जो भी न्यू वीडियो डालूँ वो आपको सबसे पहले मिले। तो चलें अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपना मेकअप स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप अपनी स्किन पर कोई अच्छा सा मॉइस्चराइजिंग लोशन या मॉइस्चराइजिंग क्रीम को ज़रूर यूज़ करें अगर तो आपकी स्किन ड्राई है, और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप डायरेक्ट प्राइमर को भी यूज़ कर सकते हैं। प्राइमर हमारे मेकअप में सबसे एक ज़रूरी चीज़ है। ये प्राइमर जो होता है ये आपके ओपन पोर्स को फिलअप कर देता है और जब आप अपनी बेस को अप्लाई करते हो तो वो बहुत अच्छे तरीके से बहुत स्मूथली जो है वो ब्लेंड हो जाती है वो बेस, और बहुत फ्लॉलेस आपकी बेस बनती है। तो यहाँ पे हम अब मिस रोज़ का प्राइमर यूज़ कर रहे हैं जिसकी पैकेजिंग इस तरह से है। इसकी आउटर पैकेजिंग ये वाइट और पर्पल सा कलर है, इस तरह से इसकी आउटर पैकेजिंग है। देन इस पर लिखा है मिस रोज़ प्रोफेशनल मेकअप पर्ल प्राइमर पोर ज़ीरो सिल्की स्मूथ फॉर ऑल स्किन टाइप है और 18 आवर्स ये स्टे करता है। तो चलें अब इसको यूज़ करके देखते हैं। इस प्राइमर की इनर पैकेजिंग इस तरह से है और अब मैं आपको इसको लगाकर बताती हूँ कि ये किस तरह का प्राइमर है। इसका टेक्सचर इस तरह का है, बहुत जेल बेस में है ये प्राइमर और बहुत थिक टेक्सचर है इसका। तो जहाँ जहाँ आपके फेस पर ओपन पोर्स हैं वहाँ वहाँ आप प्राइमर को अप्लाई करें, नोज़ पर, अपनी चिन पर और अपनी चिक्स पर, देन इसको आप ब्लेंड कर लें। अब प्राइमर लगाने के बाद अब जो नेक्स्ट स्टेप है, अगर आपके तो डार्क सर्कल हैं और आपकी अनइवन स्किन है तो फिर आपको कलर करेक्टर यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं मिस रोज़ का ये कलर करेक्टर पैलेट यूज़ कर रही हूँ। इसमें से मैं जो शेड अपनी डार्क सर्कल्स को और जो मेरी स्किन अनइवन है उनको हाइड करने के लिए जो मैं यूज़ करूँगी वो है ये ऑरेंज कलर करेक्टर। तो इसको अपनी फिंगर की हेल्प से या ब्रश की हेल्प से जिस तरह आपको ईजी लगता है आप अप्लाई कर लें और उसके बाद इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँ। कलर करेक्टर को यूज़ करने के बाद अब बारी आती है आपकी फाउंडेशन की। फाउंडेशन यहाँ पे मैं मिस रोज़ की ये वाली फाउंडेशन यूज़ करने वाली हूँ। ग्लास बॉटल में है, ब्लैक एंड गोल्डन कलर का पैक है। इसकी आउटर पैकेजिंग मेरे बच्चों ने फाड़ दी तो तभी मैं आपको नहीं दिखा सकी। तो इसकी इनर पैकेजिंग इस तरीके से है और मेरा शेड है बेज 2 और मिस रोज़ प्रोफेशनल मेकअप प्योरली नेचुरल फाउंडेशन और 30 ml की पैकेजिंग में ये आपको मिलती है ये फाउंडेशन। चलें अब मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ और उसके बाद इस बेस को अप्लाई करते हैं। इस तरीके से इसका टेक्सचर है इस बेस का, बहुत थिक टेक्सचर है इसका, रनी टेक्सचर नहीं है। चलें अब इस बेस को मैं आपको अप्लाई करके बताती हूँ। डॉट डॉट करके इसे मैं अपने पूरे फेस पर लगा लूँगी, चाहे तो अपने ब्यूटी ब्लेंडर के साथ आप लगा लें चाहे तो ब्रश के साथ आप लगा लें। देन इसको एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर के साथ मैं ब्लेंड कर लूंगी। ओ माय गॉड, लुक एट द कवरेज। कवरेज आप इसकी चेक कर रहे हैं, फुल कवरेज बेस आपको मिलती है और इतनी रीजनेबल प्राइस में। अप्लाई करने के बाद अब बारी है कंसीलर की। तो कंसीलर मैं यहाँ पे मिस रोज़ का ये वाला कंसीलर मैं यूज़ कर रही हूँ और ये इसका जो शेड है वो है मेरा आइवरी 6। तो चलें अब इस कंसीलर को मैं आपको अप्लाई करके बताती हूँ।
देन मैं इसकी कंटूरिंग पैलेट में से ये वाला शेड जो है इसे मैं अपने फेस को कंटूर करने के लिए यूज़ करूँगी। ब्लेंडर के साथ में अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लूंगी। इस कंसीलर की कवरेज आप चेक करें यार, 200 में आपको इतना फुल कवरेज कंसीलर मिल रहा है, आपको और क्या चाहिए। अब हम अपनी बेस को सेट करेंगे और सेट में अपनी बेस को मिस रोज के इस लूज पाउडर के साथ मैं सेट करूंगी, जिसकी इनर पैकेजिंग इस तरह से है। बड़ा खूबसूरत सा ये गोल्डन सा एम इस पर लिखा है, ये आप देख सकते हैं, और मेरा शेड है 08। चलें अब मैं आपको इसको लगाकर बताती हूँ। अब बारी है आईब्रोज की, तो आईब्रोज के लिए मैं मिस रोज का ये आईब्रो पेन यूज़ करूँगी, जिसकी आउटर पैकेजिंग इस तरीके से है। इसको मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ, अंदर से इस तरह से ये पेन की तरह का ये जो है ये ब्राउ पेन है, और इस पे लिखा है प्रोफेशनल मेकअप मिस रोज आईब्रो पेन। तो चलिए अब इसको लगा कर देखते हैं। सबसे पहले स्पूली से मैं अपने आईब्रोज को ब्रश कर लूंगी। अब हम अपना आई मेकअप स्टार्ट करते हैं। आई मेकअप करने के लिए मैं मिस रोज की ये वाली पैलेट यूज कर रही हूँ। ये पैलेट है मिस रोज प्रोफेशनल मेकअप 35 कलर हाई ग्लोस एंड मैट आई शेडोज। इसमें आपको 35 शेड्स मिलते हैं, शिमरी और मैट। मैं आपको खोलकर इसको दिखाती हूँ ये अंदर से किस तरह से है। अंदर से इसकी आई शेडो पैलेट की पैकेजिंग इस तरीके से है, और अब मैं आपको इसको खोल के और इसके स्वेचेस दिखाती हूँ। ये इसके कलर्स हैं सारे, बहुत ही खूबसूरत कलर इस आई शेडो पैलेट में है, और 35 कलर आपको मिलते हैं मैट और शिमरी। अब इसकी पिगमेंटेशन चेक कर लेते हैं इन कलर्स की। सबसे पहले मैं आपको ये जो इनके डार्क कलर्स हैं मैट, इसके मैं आपको स्वेचेस दिखाती हूँ। ये इसका ब्लैक कलर, ये देखें, ओ माय गॉड, कितना पिगमेंटेड इसका ब्लैक शेड है। सिर्फ मैंने हल्का सा स्वाइप किया है इसे। देन यहाँ पे ये इसका ब्राउन शेड, और ये इसका मेरून शेड, एंड दिस वन। ये चेक करें इनकी पिगमेंटेशन। देन अब इसके शिमरी शेड्स की मैं आपको पिगमेंटेशन दिखाती हूँ। इसका ये वाला शेड ग्रीन वन, ये मोव कलर, एंड ये ब्लू कलर। लुक एट दिस गाइस, कितने खूबसूरत पिगमेंटेड शेड्स है ये। चले अब जल्दी से इसे एक आई लुक जो है वो रेडी करते हैं।
अब मैं अपनी आईज़ पर इनके जो ग्लिटर आई शेडो हैं वो मैं यूज़ करूँगी। तो ये मेरे पास छह जो इनके ग्लिटर आई शेडोज़ हैं उनके कलर्स हैं मेरे पास, सिक्स कलर्स हैं मेरे पास। और ये इस तरीके से इसकी आउटर लुक है, ये आप देखें, इस तरीके से इसकी आउटर लुक है। ग्लिटर एंड ग्लो मैं आपको इसको खोल कर दिखा देती हूँ अंदर से ये किस तरीके के आई शेडोज़ हैं। और ये अंदर से इसकी पैकेजिंग ये देखें कितनी खूबसूरत इसकी पैकेजिंग है इन ग्लिटर आई शेडोज की। और इसको मैं आपको स्वैच करके इसका दिखाती हूँ ये इस तरीके से, इस तरीके से ये लगने के बाद इन देखें इनकी शाइन। चले अब मैं आपको इसको लगाकर दिखाती हूँ अपनी आईज पर। मैं जो कलर यूज़ करने लगी हूँ वो है ये ब्लैक कलर, और ये बहुत ही खूबसूरत सा ये कलर है। मैं आपको इसको स्वैच दिखा देती हूँ, ये चेक करें, बहुत ही खूबसूरत सा ब्लैक शिमरी सा ये कलर है। ये मैं अपनी आईज पर लगाऊंगी। ऑलमोस्ट डन हो चुका है, अब मैं लाइनर अप्लाई करने लगी हूँ। अगर आप चाहें तो ये पार्ट आप स्किप भी कर सकते हैं, पर मुझे आपको इसके लाइनर का थोड़ा सा रिव्यू देना है, तभी मैं पतला लाइनर ज़रूर लगाऊंगी। लाइनर इसका जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है मिस रोज़ प्रोफेशनल आईलाइनर। इस तरीके से इसकी आउटर पैकेजिंग है, आपको मैं खोल कर दिखा देती हूँ अंदर से ये किस तरीके का लाइनर है। अंदर से ये इस तरीके से ये आप देखें कितनी खूबसूरत इसकी इनर पैकेजिंग है इस लाइनर की, बहुत ही स्मार्ट सा खूबसूरत सा गोल्डन एंड ब्लैक इसका कैप है, और इसका स्टाइल कितना ज़बरदस्त है। और इस तरीके से ये चेक करें, ये इसको मैं वाटरप्रूफ लाइनर है और मैट लाइनर है। अब मैं आपको इसको अप्लाई करके बताती हूँ। व्हाइट पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ, मेरे पास मिस रोज़ की व्हाइट पेंसिल नहीं थी, तो यहाँ पे मैं स्वीट फेस की ये व्हाइट पेंसिल अपनी वाटर लाइन पर लगाऊंगी। अब मैं फॉल्स लैशेस यूज़ कर रही हूँ। जब तक मैं इसको ग्लू लगाकर थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए इनको मैं रखती हूँ, एकदम से आपने नहीं लगाना अपनी लैशेस को। इनको ग्लू लगाकर, ग्लू यहाँ पे मैं ड्यू की यूज़ कर रही हूँ, इनको ग्लू लगाकर 2 सेकंड के लिए आप छोड़ दें, फिर ये बहुत अच्छे तरीके से आपकी आई लैशेस जो है वो लग जाती हैं। जब तक मैं इसको ग्लू लगा के थोड़ी देर रखती हूँ, तब तक मैं मस्कारा अप्लाई कर लूँगी। ब्लश पैलेट नहीं है तो मैं इसकी आई शेडो पैलेट में से ही ये वाला जो पिंक कलर है इसको मैं एज अ ब्लश यूज़ करूँगी। हम इस पैलेट से ही अपना ब्लश का जुगाड़ लगा लेते हैं। लिपस्टिक के लिए मैं मिस रोज का ये मैट लिप ग्लॉस यूज़ करने लगी हूँ, और इसका शेड है 05। तो इसको मैं लिप ग्लॉस, ये मैट लिप ग्लॉस है, और मैं आपको इसका स्वैच दिखा देती हूँ। ये देखें मेरा हाथ ऑलरेडी काफ़ी भर गया है स्वैचेस कर करके। ये इसका शेड है 05, इसका शेड है, तो ये मैं इसको अप्लाई करूँगी।
इसको हाईलाइट करने की, तो हाईलाइटर यहाँ पे मैं मिस रोज़ का ये वाला यूज़ कर रही हूँ, और इसको मैं आपको खोल के, इसकी आउटर पैकेजिंग इस तरीके से है और इसकी इनर पैकेजिंग बहुत ही खूबसूरत गोल्डन, इसकी गोल्डन और ब्लैक ये बैक से है और आगे से ये इस तरीके से ऐसे ओपन होगा। और ये हाइलाइटर मैं आपको लगा कर दिखाती हूँ अब कि इसकी, इसका ग्लो किस तरह का है। देन मैं किस ब्यूटी के सेटिंग स्प्रे से अपने मेकअप को सेट कर लूँगी, क्योंकि ये मेरा मोस्ट फेवरेट और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में और ज़बरदस्त ये सेटिंग स्प्रे है। तो ये है मेरी फाइनल लुक। आई होप आपको मेरी ये लुक पसंद आई होगी। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरा आज का मेकअप आपको कैसा लगा और मेरा आज का वन ब्रांड मेकअप ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो याद से मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और एक दफ़ा फिर याद करवा दूँ आपको, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी अपकमिंग न्यू वीडियोज़ आप तक पहले नोटिफाई हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।